आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बुखार है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको बुखार नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसी तरह आपको सर में दर्द है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और अगर सर में दर्द नहीं है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं तफसील से। आपको बुखार है, मामूली बुखार है, बुखार से गोली मेडिकल से ले लो, खा लो, आप ठीक हो जाओगे। एक दिन तो आप देख ही सकते हो कि भाई बुखार है और गोली लोगे, क्रोसिन लोगे, कुछ भी लोगे, तो एक दिन तो कैसे भी करके अगर एक ठीक हो जाएगा तो फिर आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं ठीक होता है तो जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह सर में दर्द है, आप दवाई ले लो, कुछ भी घर में रहती है टैबलेट, क्रोसिन ले लो, उससे भी सर में दर्द ठीक हो जाता है। मैं आपको ये थोड़ा मेडिकल एजुकेशन दे रहा हूँ ताकि आपको अपने यानी डे टू डे लाइफ में इजी हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो कि भाई आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई गिर गया, कट गया, थोड़ा सा कट गया, वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो कट गया, चलो चलो भागो लेके। लेकिन थोड़ा सा अगर कट गया तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको थोड़ी देर दबा के रखो, खून ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद में फिर उसको थोड़ा सा अगर डेटॉल वगैरह है तो उससे धो लो, साफ कर लो, या तो डेटॉल साबुन से धो लो। धोने के बाद में कुछ घर में ऑइंटमेंट है उसको लगा दो, तो आपको थोड़े से के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही चीज ज्यादा कटा है, खून बंद नहीं हो रहा है, ज्यादा जला हुआ है, और तो ऐसी सूरत में तो आपको डॉक्टर के पास जाना। इसी तरह अगर एक दो जुलाब हो गया आपको तो डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, और इसी तरह आपको अगर गैस हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। तो इसी तरह अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, मामूली सर में दर्द हो रहा है, तो जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और जैसे कि इसी तरह जो है सर्दी है, सर्दी में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत सर्दी हो गई, कोई भी एंटीकोल टैबलेट ले लिए तो आपको ठीक हो जाता है, उसके लिए भी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर में दर्द आपको अगर कभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई पहली बार एकदम तेज दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप उस टाइम पे सुस्ती कायली नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स कि आप डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद ही घर में मेरी दवाई ले सकते हो और उसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन यही कंडीशंस अगर ज्यादा सीरियस हो जाती हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, ये आप जरूर याद रखें। ये नहीं कि मैंने बोल दिया डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है तो आप जाओगे ही नहीं। लेकिन अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ चीजें ऐसी है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई डॉक्टर के पास आपको कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ता है, जाना चाहिए। क्यों क्यों जाना चाहिए डॉक्टर के पास? इसलिए कि डॉक्टर के साथ में आपका एक संबंध बने, आपका एक रिलेशन बने, ताकि डॉक्टर आपको समझ सके, आपकी बॉडी को समझ सके, आपकी मनी आगे के आप प्रॉब्लम्स हैं वो समझ सके, आपके आगे आने वाली बीमारियों के बारे में आपको डॉक्टर बता सके, ठीक है। इसी तरह आपको कुछ दिमागी सुकून चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपको बता दें कि भाई आप ये करो तो आपका दिमाग है, सुकून मिलेगा आपको। और इसी तरह आपको अच्छी नींद आएगी अगर डॉक्टर से बात करोगे, डॉक्टर से जाके मिलोगे, अपने दुखड़े सुनाओगे, अपनी तकलीफ सुनाओगे, तो आपकी वो तकलीफें जो आपको टेंशन है कि मुझे ये हो गया वो हो गया ऐसा तो नहीं है, तो उसके लिए आपको दिमागी सुकून मिलेगा और अच्छी सी नींद आएगी, ठीक है। इसी तरह आपको बहुत सारी बीमारियां जो ऐसी रहती है ना कि किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि क्या होने वाला है आगे लाइफ में। जैसा कि एक एग्जाम्पल देता हूं, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है ना, खाते हैं पीते हैं खाते रहते हैं, और लेकिन
सब चीजों के लिए टाइम मिलता है, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, लेकिन टॉयलेट के लिए टाइम नहीं मिलता है। टॉयलेट बोलेंगे अरे अभी जोर से लगी भी है तो हम उसको अवॉइड करते हैं, हम जाते नहीं हैं, टॉयलेट है नहीं है पैखाना, ठीक है, तो उसके लिए हम अवॉइड करते हैं और उसको रोक के रखते हैं। और हो सकता है कभी वो दुकान में रहे या अपने जॉब पे रहे तो हमने रोक लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है आगे चल के फिर वो ना जाना हमको नुकसान देता है, क्योंकि टॉयलेट अलमी ने ऐसा बनाया है ना कि तो वो सब चीजें जो एक बार यानी ऑटोमेटिक हो जाती हैं वो हो जाती हैं, उसको हमको रोकना नहीं चाहिए। तो ये है कि अगर आपको उसको रोकोगे तो आपको आगे चल के कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आगे चल के आपको पाइल्स हो सकता है और आगे चल के आपको बहुत सारी तकलीफ हो सकती है उसकी वजह से, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते हो। तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया कि आपको जो है ना अपनी अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपको मैं कुछ और बताऊंगा कि हाँ, जैसे कि आपको डॉक्टर के पास बिना वजह भी जाना चाहिए, जैसे आपने आपका आपका डेंटिस्ट है, आपका दांतों का डॉक्टर है, उसके पास तो आपको बिना वजह जाना चाहिए 6 महीने में एक बार कि भाई देखो मेरे दांतों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको देख के बताएगा कि हाँ है नहीं है। क्योंकि अगर कभी कभी दांत में दर्द हो जाता है अचानक से, आपको रात में दर्द हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकोगे, कोई दांत का डॉक्टर नहीं मिलेगा। वही चीज अगर आप पहले से आप दिखा के रखे और रखोगे अपने डेंटिस्ट को तो आपको तमाम चीजें बताएगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे दांत सड़ जाएंगे और एक एक दांत लगाने का जो है ना एक एक दांत का ट्रीटमेंट का 5,000 से लेके 10-20,000 कितना भी लग सकता है आपको, कभी कभी दांत निकालना भी पड़ सकता है। इसलिए दांत के डॉक्टर के पास 6 महीने में या साल में एक बार आपको जाना जरूरी है। इसी तरह आपको आंख के डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, आंख बिना वजह आपको बस जाना पड़ेगा। अगर आप 30 साल के हो गए या कभी कभी बचपन में भी आंख का नंबर आ जाता है तो उस टाइम पे तो आपको यानी साल में एक बार आंख के डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, साल में नहीं तो कम से कम 2 साल में तो दिखा लो, क्योंकि आपको मालूम तो पड़े कि आपकी आंखों में क्या हो रहा है, क्या आगे क्या तकलीफ होने वाली है उस हिसाब से, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती हैं जो लेडीज की बीमारियां हैं, लेडीज नहीं जाते हैं, लेडीज बोलते हैं कि भाई ये क्या है, ये तो छोटा मोटा, मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं, मेरे को शर्म आ रही है, मैं ये सब कैसे बोलूं। तो उसमें जो है ना वो बीमारी फिर आगे बढ़ती जाती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि उस बीमारी का कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। तो लेडीज को खास करके अपने बीमारियों के बारे में बताने के लिए डॉक्टर को साल में एक बार जाना जरूरी है, ये जरूर याद रखें, ठीक है। और इसी तरह और भी कुछ बातें हैं कि भाई डॉक्टर के पास आपको कब अर्जेंट में जाना चाहिए और कब नॉर्मली जाना चाहिए, तो ये इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बाद में बनाऊंगा, बना के फिर आपको बताऊंगा कि भाई आपको डॉक्टर के पास अर्जेंट में कब जाना चाहिए और नॉर्मली कब जाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।